हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि आज मेरी बेटी के मैंने कान छिदवाए हैं, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, और आप इसके कान देखो पहले। ये देखो, छोटे छोटे से टॉप्स बनाए हैं चांदी के। दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, थोड़े से तो दिख रहे हैं आपको। तो मेरी बेटी के कान मैंने छिदवा दिए आज, और तो यही गुड न्यूज है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इसको दर्द हुआ था, थोड़ा सा दर्द हुआ था, मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी। और गली में कोई आया था छेदने के लिए, मैंने उसी से छिदवा दिया। अभी ये बहुत छोटी है, पर मेरा पता नहीं क्यों दिल किया कि मैं इसको एक कानों में छोटे छोटे टॉप्स डालूं, और फिर मैंने इसके कान छिदवा दिए। ये देखिए, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, क्यूटी लग रही है। क्यूटी है ना मनु, प्यारे लग रहे हो ना आप? आईने में जाके देखा, मैं खुद को ही प्यारी लग रही हूँ। दिखाओ, धर्म करो। अब मैं इसको हल्दी और तेल सरसों का गर्म करके लगा रही हूँ। मतलब मैंने रख दिया यहाँ पर, देखो, तेल और वो हल्दी गर्म करके, और वो मैं इसकी कान में लगा देती हूँ ताकि इसको दर्द ना हो। ओ मन्नू, मेरे बाल छोड़। तो बताना आप लोग मैंने सही किया कि नहीं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। कई लोग मुझे गुस्सा करते, इसके पापा ने भी मुझे गुस्सा किया कि अभी ये बहुत छोटी है, आपने क्यों करवाया? और मैंने करवा दिया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था करवाने का। ये देखिए, छोटी सी, देखो अच्छे से दिख रहे हैं ना आपको। ये देखो, ये छोटे छोटे से टॉप डाले हैं इसने अभी, और ये चांदी के डाले हैं। और कहते हैं कि जब चांदी का डालना चाहिए, उससे कान नहीं पकता है। और हमारे टाइम पर जब हमने कान छिदवाए थे, जब मैं छोटी थी, तो मैं उस वक्त होंगी 15-16 साल की थी। खैर, मैंने इतनी छोटी तो नहीं थी, मैंने बड़े होके छिदवाए थे। तो उस वक्त मैंने नीम की जो डंडी होती है, नीम की सीख होती है, मैंने वो डाली थी, उससे भी कान नहीं पकता। क्योंकि उस वक्त जो छेदने वाले आए थे ना, कान पीलिंग वाले आए थे, तो उन्होंने बोला था कि कुछ भी डालो, नीम वगैरह। तो मैंने उस वक्त नीम वगैरह होता तो मैंने वो डाल लिया था। तो अभी जिन्होंने इसका छेद है, उन्होंने तो सीधा डायरेक्ट चांदी से ही छेद दिया, और चांदी ही डाल दी इसके कान में। तो मैं अभी अपनी बेटी को लगा रही हूँ हल्दी और तेल। मम्मी ने मुझे ना इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं प्यारी लग, इससे इसके कान नहीं पकेंगे। तो कैसे बताना, यही लगाते हैं ना हल्दी और तेल? क्योंकि हमारी मम्मी ने तो ऐसे ही किया था, जब जब हमको छेदे थे ना कान, तो हमने भी यही ऐसे ही किया था। और नाक तो मैंने जब छिदवाया था, जब मेरी शादी होने वाली थी, क्योंकि मैं भी बहुत डरपोक हूँ, तो बहुत दर्द होता है, मुझे पता है। बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। अभी दर्द नहीं हो रहा था जब छेदा था, जब रोई थी, ज्यादा नहीं रोई। मेरी बेटी बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, स्ट्रोंग है काफी, तो इसलिए इसको ज्यादा रोना नहीं आया था। रोई थी बस, थोड़ा सा चिल्लाई थी। तो एक मिनट, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। क्योंकि अंधेरा हो रहा है, सब सो रहे हैं, बाहर भी अंधेरा हो रहा है, और आप लोग भी सोचोगे कि मैं क्या। देखो, लाइट मैंने चलाई है क्योंकि दूसरी लाइट जल रही थी। आप लोग भी सोचोगे कि मैं भी पता नहीं क्या ही डाल देती हूँ। तो बस ये छोटा सा व्लॉग है, जो कि मैं इसलिए डाल रही हूँ
कि मेरी याद है, मेरी बेटी की याद है इसमें रहे, यूट्यूब से कुछ डिलीट नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी, जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको ये वीडियो दिखाऊंगी कि देखो मैंने आपके जब कान छिदवाए थे तो आप इतने छोटे से थे, है ना। जब बड़ी हो जाएगी तो ये वीडियो देखेगी। इधर लाना मुझे देखने, ये कान कैसा हो गया। तो गाइस मैं भी रखती हूँ, तो बस मैं यही छोटा सा मैंने आपको बताने के लिए और वीडियो बनाया था, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आपके साथ मैं हर एक बार शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं ये भी बता दूँ कि आज मैंने अपनी बेटी के कान छिदवा दिए हैं और ये बहुत ही क्यूट लग रही है। तो अभी कुछ दिनों बाद हम इसके जब अच्छे से ठीक हो जाएंगे तो छोटे छोटे सोने के टॉप्स पहना देंगे। ये देखो कितनी खुश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा, कान छिदवाने की बात है ना मनु। आज सो जाए अब, सो जाओ, अब दर्द नहीं होएगा आपको। हाँ सोऊंगी तो ये बेड में नहीं लग जाएगा। नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, चलो हटो, चलो 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 लेटो। तो हम चलते हैं सोने के लिए, तो गुड नाइट। ये देखिए मेरा बेटा सोया पड़ा है यहाँ पर, भी जगह नहीं है। तो गाइज चलिए मैं रखती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जिसने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा। ये छोटा सा ब्लॉग है, सिर्फ सिर्फ आप समझ गए हो, मैंने ये स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि ये मेमोरी मेरी रहे और जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो मैं उसको ये वीडियो दिखाऊँ कि मैंने आपको एयर पीलिंग कराया था। बाय कर दो, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, रेड बटन कब दबाना।